अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी के मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है तो उसे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है, जबकि इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी है और जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए। साथ ही इनके मद का सरकारी पैसा भी अधिकांश दूसरे मदों पर ही खर्च कर दिया गया है। इसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। इनको आरक्षण व अन्य जरूरी सुविधाओं का भी पूरा लाभ नहीं दिया है, ताकि ये लोग आर्थिक तौर पर हमेशा दूसरों के ऊपर ही निर्भर बने रहे, जिससे दुखी होकर फिर बहुत पहले ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनकी केंद्र की रही सरकार से अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा तक भी दे दिया था और फिर इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर माननीय श्री कांशीराम जी ने देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।